गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, दिस इज़ योर सीता मैम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू. टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड दैट इज़ आवर एन आइडल होम. व्हाट डज इट मीन? एन यू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ आई इज़ अ वॉवल, सो वी यूज़ इट एन आइडल होम. दैट मीन्स एक ऐसा अच्छा घर जो सबके सभी दृष्टि से, यानी कि हर प्रकार से परफेक्ट घर को आइडल होम बोलते हैं. आइडल का मतलब होता है परफेक्ट. ओके बेटा, जो हर चीज़ से परफेक्ट होता है उसको आइडल होम बोलते हैं. होम आपको पता है घर को बोलते हैं. अच्छा, मैंने आपको मेनी टाइम्स हैव टोल्ड यू डिफरेंस बिटवीन अ होम एंड अ हाउस. होम मीन्स यस द पीपल वेयर इन अ हाउस वेयर पीपल लीव. जिस घर में बहुत लोग रहते हैं, प्यार है, फैमिली है, लड़ाई है, झगड़ा है, सब है, वो होम होता है. और हाउस बेटा कच्चा खाली ईंटें दीवारों का घर और उसमें कोई नहीं रहता, खाली पड़ा है. खाली पड़े घर को बोलते हैं हाउस. और होम बोलते हैं जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा घर है. ओके, लेट्स स्टार्ट. आयशा lives in a small house on the outskirt of a small township of Begumpur in Uttar Pradesh. The roads are kacha, unsurfaced, and the drains are uncovered. But Aisha's family keep their home and surrounding very clean. The entire neighborhood ensures that the garbage is not thrown in the drains or on the streets. They have dug a deep pit at a small distance where the garbage is thrown and covered with soil to convert into compost. ये देखिए बेटा, ये आयशा, इसका घर एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश में बेगमपुर गांव के बाहर की इलाके में. देखिए कितना साफ सुथरा घर है. रोड भी चकाचक, घर भी सगाचक है ना, और पूरा क्लीन करके रखे हैं. अच्छा, पूरे कच्चा है. देखिए रोड कच्ची है, सोचिए कितना छोटा गांव है. रोड भी अनसरफेस्ड है. यहाँ पे देखिए, रोड्स आर कच्चा एंड अनसरफेस्ड. ये अनसरफेस्ड रोड्स हैं. उसके बाद भी यहाँ पे कितनी सफाई है, यानी कि कोई भी गाँव वाले गंदगी नहीं फैलाते, सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं. तो आयशा आउटस्कर्ट में रहती है. बेटा आउटस्कर्ट मतलब गांव के बाहर. और इनका घर है बेगमपुर उत्तर प्रदेश, और घर के चारों तरफ कच्ची रोड है, यानी कि अनसरफेस रोड. ड्रेन्स भी कवर्ड नहीं है, उसके बाद भी सफाई है. और घर के चारों तरफ सफाई के साथ साथ पूरे मोहल्ले वालों ने ये ध्यान रखा है कि कचरा बाहर फेंकेंगे और कचरे को एक जगह डंप कर देते हैं, जिसको गड्ढा खोदते. बेटा एक गड्ढा खोदते ऐसे, उसके अंदर पूरा कचरा भर देते हैं, फिर मिट्टी डाल देते हैं, फिर बंद कर देते हैं. उसको बोलते हैं कंपोस्ट. थोड़े दिन बाद वो खाद बन जाता है. ये आप क्लास 3 में पढ़े होंगे. चलिए अब दूसरे घर को देखते हैं. ये देखिए, ये घर कितना गंदा है. घर बहुत अच्छा है. अच्छा, आयशा का घर कच्चा है ना, मतलब ज़्यादा मिट्टी का घर है. और ये देखिए कितना शानदार सुंदर घर है, लेकिन घर के चारों तरफ कितनी गंदगी. और यहाँ से जाने वाले के लोगों के मुंह भी, नाक कान सब ढकने पड़ते हैं. वाई नीरद लिव्स इन अ मैंशन इन विलेज भोगपुर. इट इज़ सराउंडेड बाई लॉट ऑफ ग्रीनरी. इट इज़ अ विलेज ऑफ रिच फार्मर्स, बट द पीपल थ्रो द वेस्ट नियर द main gates. A huge pile of stinking garbage gets accumulated. The villagers have to cover their nose when they pass the street. Moreover, flies and mosquito breed on the garbage. अब ये नीरद का घर है, mansion है. mansion मतलब बड़ा घर. जो बड़े घर, शानदार अच्छे घर होने हैं, उसको mansion बोलते हैं. और ये भोगपुर विलेज का है, जहाँ पे बहुत सुंदर हरियाली है. देखिए चारों तरफ हरियाली है. यहाँ के फार्मर्स रिच हैं, दे आर रिच फार्मर्स. एंड बट द पीपल थ्रो द वेस्ट नियर द गेट. गेट के सामने सब अपना कचरा डाल देते. अ ह्यूज पाइल मतलब कचरे का ढेर, स्टिंकिंग गार्बेज और बदबूदार कूड़े से
दार वो सब गेट्स एक्यूमलेटेड, वहाँ पे जमा हो जाते, बदबू जमा हो जाती है कचरे के कारण. और विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज़, उन पूरे गांव वालों को उधर से गुजरते वक्त अपने नाक कान सब नाक बंद करके जाना पड़ता है. इसके साथ साथ वहाँ पे मस्कीटोज़ भी खूब अपने अंडे देकर बड़ी तरक्की करते रहते हैं, क्योंकि मस्कीटोज़ के लिए बड़ा आराम हो गया है ना. यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है जो आपको मैं आपको करना है. कब करना है? जब क्लास चल रही है बेटा. ये दो क्वेश्चन हैं, इसका मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगी. ये दो क्वेश्चन आपको अभी करने हैं. पहले आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये करके आप मेरे को पोस्ट करेंगे. ओके, चलिए. अब आपको क्या लिखना है मैं वही देखना चाहती हूँ. आपने मेरा मेरी कौन सी लाइन को समझा है और आप क्या लिखेंगे. ओके, लेट्स सी. वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन. एन आइडल नेबरहुड रीचेस ईच एंड एवरी मेंबर टू लुक आफ्टर देयर हिज और हाउस एज वेल एज देयर सराउंडिंग्स. हम सबकी जिम्मेदारी है अपने घर के चारों तरफ सफाई करने का. हाँ, वो साफ करेगा, ये साफ करेगा, मैं क्यों करूँ? कचरे साफ करने वाले करेंगे, मेरा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं. ये नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है आपको. सबको अपने मोहल्ले की साफ़ सफाई करने की जिम्मेदारी, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी. और ये देखना सुनिश्चित करना है कि नेबरहुड में सारे मेंबर्स मिलकर सफाई का ध्यान दें. ऐसा नहीं है कि एक फैमिली ध्यान दे रही है और दूसरी फैमिली सिर्फ कचरा डालने में और गंदगी फैलाने में बिजी है. ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बैड मैनर्स भी है. और मैंने आपको बताया भी है कि मोहल्ले में अगर आपको रहना है तो मोहल्ले की साफ़ सफाई का भी ध्यान आप ही को रखना है. पड़ोसियों को अकेले नहीं रखना है. पड़ोसी भी अपने घर के आस चारों साफ सफाई करेंगे, आप भी अपने घर के, और सबको जिम्मेदारी उठानी है. सब करेंगे साफ, नहीं कर सकते तो किसी को बुलवा के पैसे दे के करवा सकते हो, पर सब कोई मिलके भी सफाई के बीड़ा उठा सकते हो. हर संडे आप अपने बच्चों, हर संडे बच्चे बूढ़े सब मिलकर भी पूरे मोहल्ले की साफ़ सफाई कर सकते हैं. ये भी एक अच्छा तरीका है. फीचर्स ऑफ आइडल होल. फीचर्स मतलब एक अच्छा घर, एक बढ़िया घर या एक परफेक्ट घर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो बातें साइंस के हिसाब से देखते हैं. मतलब साइंस मतलब ऐसा क्यों है वो भी देखना है. द साइज लोकेशन ऑफ द हाउस ऑफ द बिल्डिंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एज मेंटेनिंग द हाउस और नेबरहुड. अ सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इंटू अ आइडल होल इफ़ यू टेक केयर ऑफ फॉलोइंग. ज़रूरी नहीं है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए आयशा का घर कितना छोटा है लेकिन परफेक्ट हाउस है, ये आइडल होम है. और ये देखिए कितना बड़ा घर है लेकिन फिर भी इसकी चारों तरफ गंदगी है. तो कहने का मतलब ये है कि साइज, आपका घर के साइज का कोई मैटर नहीं करता. डजेंट मैटर हाउ बिग योर हाउस इज, हाउ स्मॉल इज योर हाउस इज, एंड लोकेशन भी आपका मैटर नहीं करता है कि गांव में रहते हैं तो हमारा घर गंदा है, हम स्ट्रीट के इधर रहते तो गंदा है, हम उधर रहते तो गंदा है, हमारे शहर में तो शहर का घर तो गंदगी होगी ही. इस टाइप की बातें आप नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी गलती है. घर को मेंटेन करना आपकी ज़िम्मेदारी है और उसको आइडल होम में कन्वर्ट करना भी आप ही की ज़िम्मेदारी है. आप जो कुछ बन सके आपसे उतना तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए ताकि आपके घर में इन सब चीज़ों की बरकत हो. आपको पता है आजकल आपने नोटिस किया होगा लोग घर में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, स्पेशली वास्तु. वास्तु का भी बहुत ध्यान रखते हैं. ये वास्तु क्या होता है देखते, घर का दरवाज़ा इस दिशा में होना चाहिए, खिड़की इस दिशा में होनी चाहिए और किचन इस दिशा में होना चाहिए, किचन के इस तरफ पानी होना चाहिए, उस तरफ नहीं होना चाहिए, दीवार ऐसी होनी चाहिए, घुसते साथ ऐसा होना चाहिए. ये सब क्या है? ये सब एक तरह से सुख समृद्धि लाने का भी तरीका है. बोलते ना साफ सुंदर घर में तो लक्ष्मी भी आती है, तो जहाँ से रोशनी आएगी बेटा वहाँ तो लक्ष्मी आएगी ही. तो इसीलिए सनलाइट को लेकर घर में सबसे पहला पॉइंट है सनलाइट. सनलाइट बहुत ध्यान देने वाली बात है. अगर किसी घर में सनलाइट नहीं आए तो बड़ी मुश्किल होती है. क्या क्या मुश्किल होती है चलिए पढ़ते हैं.
It brightens our home and keeps the rooms dry. The sunlight keeps the germs away. There should be sufficient window or verandas to get plenty of sunlight. Sunlight बहुत ज़रूरत है. Sunlight हर दिशा से घर के अंदर light आनी चाहिए. जिस घर में light proper नहीं हो, sunlight नहीं आती हो, उस घर में germs हो सकते हैं. और जर्म्स के कारण बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे क्या बोलते हैं, सांस की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम. उसके अलावा भी किसी किसी को तो इन्फेक्शन हो जाता है ठीक से सांस नहीं लेने के कारण, है ना. तो रूम्स में अच्छी लाइट आएगी तो अच्छी फ्रेशनेस रहेगी, सनलाइट से फ्रेशनेस आती है. एंड देर शुड बी सफिशेंट विंडोज. अच्छा, इन बातों का भी विंडो किधर होना चाहिए, घर के किधर से विंडो रखें ताकि लाइट आ सके, है ना, लाइट अंदर रूम के अंदर आ सके. वेरेंडाज किधर होने चाहिए. घर को इतना चिपका चिपका कर रूम को ना बनाएं कि बीच में हवा जान पास होने की जगह ना बचे, लाइट ही ना आए. इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए. प्लेंटी ऑफ सनलाइट जिस घर में आती हो उस घर में तो समृद्धि खुशहाली अपने आप आ जाती है. ये मैंने भी देखा है बेटा, अनुभव किया है. चलिए नेक्स्ट आता है वेंटिलेशन. ये वेंटिलेशन क्या होता है बेटा, जो खिड़की दरवाज़ों से हवा जो पास होने के सिस्टम है उसको बोलते हैं वेंटिलेशन. जैसे विंडोज़ एंड डोर्स शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्रेश एयर ऑफ फ्रेश एयर. दे ऑल्सो एंश्योर द आउटलेट ऑफ ड्राई एयर फ्रॉम द होम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ. अच्छा, एक चीज़ आपने नोट किया, आप अपने घर के चारों तरफ देखिए बेटा, अगर आपका रूम का दरवाज़ा यहाँ है तो पक्का खिड़की यहाँ होगी आमने सामने. क्यों? क्योंकि इधर से फ्रेश हवा आएगी तो इधर से गंदी हवा जाएगी, और इधर से गंदी हवा जाएगी फ्रेश हवा आएगी तो इधर से गंदी हवा जाएगी. ये होता ही है हमेशा. आप देखना खिड़की दरवाजे हमेशा आमने सामने होते हैं. क्यों? क्योंकि इससे हवा का आना जाना फ्री फ्लो हो सके, और जब फ्रेश हवा आएगी तभी तो गंदी हवा जाएगी. तो गंदी हवा जाने के लिए भी तो सामने सामने रास्ता होना चाहिए. तो वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है. अगर खिड़की दरवाजे जिस रूम में ना हो, आप देख लेना वहाँ दम घुटता है, वहाँ अच्छा नहीं लगता, वहाँ दम घुटन सी महसूस होती है, और थोड़ी देर बाद सर दर्द दुखने होने लग जाता है, फिर आंखें जलने लग जाती हैं, और फिर वहाँ उस रूम में नींद भी कभी कभी नहीं आती. तो इन बातों का ध्यान रखना है. एक और चीज़, एन आइडल होम शुड हैव अ चिमनी और एन एग्जॉस्ट फैन टू लेट द स्मोक आउट. दिस हैज़ इन कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम ऑडर एंड पॉल्यूशन. एक घर में एग्जॉस्ट फैन या चिमनी ज़रूर होनी चाहिए ताकि मम्मी जो भी खाना बनाए उसकी जो धुआँ हैं वो बाहर अपने आप निकल जाए. देखिए अब एग्जॉस्ट फैन से बाहर हवा है, और इससे घर के अंदर अच्छी जो बदबू है, ऑडर मीन्स बदबू, वो भी निकल जाए, और घर के अंदर से फ्रेश धूप कुछ भी फ्रेशनेस के लिए या पॉल्यूशन कुछ है तो वो भी निकल जाए. देन कम्स टू बेटा सैनिटेशन और ये सब है. तो ये थोड़ा सा चैप्टर बचा है, मैं यहाँ तक ही कंप्लीट कर रही हूँ आज इस पेज तक, यहाँ से यहीं तक बेटा कि मैं यहाँ तक ही हूँ आज. आज हम लोग यहीं तक करेंगे, रेस्ट यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूँगी. आज के लिए इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के लिए सिर्फ डेढ़ पेज बचा है और फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेंगे. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय.